बेस्ट अगर कोई वीडियो एडिटर अगर हम चॉइस करना चाहें तो वो कौन सा है और उसे कैसे यूज़ करते हैं, तो आज हम बात करेंगे फिल्म मेकर की। ओके, तो फिल्म मेकर भी एक वीडियो एडिटर है जिसमें आप बहुत सारे तौर तरीके से अपने वीडियो एडिट कर सकते हैं, तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे। गाइस, अगर फिल्म मेकर हमें मैं तो ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हूँ, बट हमें अगर इंस्टॉल करना है तो कैसे करना है, तो हमें प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद यहाँ सर्च करना है फिल्म मेकर। फिल्म मेकर जैसे या फिल्म मेकर लेटेस्ट वर्जन है तो मैं इसी पे क्लिक कर दूंगा। तो ये सामने देख रहे हैं फिल्म मेकर प्रो फ्री मूवी मेकर एंड वीडियो एडिटर, तो हमें इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ सामने ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड का, तो आप डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे तो ये डाउनलोड होके आपके मोबाइल में स्टोर हो जाएगा। मेकर को जब आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेंगे तो ये इसका ओपन करने के बाद तुरंत ये इसी तरह दिखता है, जिसमें सामने आपको दिखेगा न्यू प्रोजेक्ट्स एंड एडसेट्स लाइब्रेरी। तो हमें यहाँ ना जाके सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें न्यू प्रोजेक्ट में जाना है। अगर कोई भी वीडियो आपको एडिट करना है तो सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट में जाना है। न्यू प्रोजेक्ट में जाने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ आपको शो करता है क्या चीज़ें क्या हैं। एफएक्स में आप अपने वीडियो के जो डेटा है उसे इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं कि ये कैसा दिखेगा क्या है। म्यूज़िक, अगर आप वीडियो के साथ म्यूज़िक अटैच करना चाहते हो तो इजीली म्यूज़िक अटैच कर सकते हैं। टेक्स्ट की बात करें, अगर आपके वीडियो के ऊपर कुछ आपको लिखना है तो आप इजीली टेक्स्ट से राइट कर सकते हैं। स्टिकर्स, स्टिकर में कैसा, आप कोई भी इमेज स्टिक कर सकते हैं या कोई भी सिम्बॉल्स या कुछ भी जो आपको चाहिए वो प्रॉपरली जो एडिट करके सॉफ्टवेयर के थ्रू दिया है वो भी रख सकते हैं, और कोई फ़ोटो अगर आपको अटैच करना है तो उसे भी प्रॉपरली एडिट करके आप इसी वीडियो के अंदर ही एडिट कर सकते हैं और उसे वीडियो के फ्रंट में रख सकते हैं। एडजस्टमेंट एंड बैकग्राउंड, इसे चाहे आपको अगर बैकग्राउंड वीडियो का बैकग्राउंड छोटा बड़ा या अलग साइज़ में करना है तो कर सकते हैं। वॉइस ओवर, मतलब इस वीडियो में अगर कोई रिकॉर्ड आपको डालना है वॉइस रिकॉर्ड तो आप डाल सकते हैं। कस्टम वाटरमार्क, अगर आपको इसे परचेस कर लेते हैं तो आप खुद का भी वाटरमार्क इसमें दे सकते हैं। ओके, डॉडल का मतलब होता है बाय पेंसिल से अगर आप कुछ ड्रॉ करना चाहते हो वीडियो के ऊपर तो ड्रॉ कर सकते हैं। लेफ़्ट साइड में अगर देखेंगे तो यहाँ दिख रहा है बैक, सेव एंड शेयर, प्ले एंड स्टार्ट हेयर। तो ये स्टार्ट हेयर जिधर सबसे नीचे लेफ़्ट साइड में लिखा हुआ है यहीं से इसका काम शुरू होता है। तो सबसे पहले हम इसे क्लिक करेंगे। इसे क्लिक करने के बाद आपका जो फ़ोन के फोल्डर्स में जो भी डेटा वीडियो इमेजेस रखे रहेंगे वो शो होंगे। ओके, तो हमें क्या चाहिए, अभी वीडियो चाहिए। बट गाइस, वीडियो कोई भी रेडी करने के लिए या बनाने के लिए उसके स्टार्टअप में सबसे पहले एक इंट्रो डाला जाता है। तो इसमें स्पेशली नीचे आप देखेंगे तो यहाँ इंट्रो का एक पूरा फोल्डर है, तो इसमें आप जाके जो आपको इंट्रो चाहिए वो सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, बहुत सारे इंट्रो हैं, आप उन सभी में से जो आपको पसंद आता है, जो तौर तरीका आपको लुक में अच्छा दिखता है वो आप लेते हैं और उससे ही इस वीडियो का स्टार्टअप करेंगे। ओके, तो ये ऑलरेडी डिज़ाइन रहता है, अपने को सिर्फ इसे सेलेक्ट करके डाउनलोड करके सेलेक्ट करना पड़ता है। और यहाँ देखिए वन लिख के आ गया एलो सरफेस के साथ, तो ये वीडियो हमारा सेलेक्ट हो चुका है एंट्रो के अंदर जो एलो कलर की लाइन के साथ आपको शो कर रहा है। अब इसी के साथ इसमें एंट्रो में ही अगर जाएंगे तो और सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, ये चीज़ें आप उसमें वीडियो के साथ ऐड कर सकते हैं। ये ग्रीन स्क्रीन है, इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये बैकग्राउंड अगर आपको देना है, एज जैसे आपने इंट्रो में वीडियो देखा है इंक्लूड करने के लिए, वैसे ही चीज़ें हैं। ये अगर वीडियो के अंदर कोई इफ़ेक्ट्स देना है आपको तो वो चीज़ें आप दे सकते हैं, तो एक मैं इसे भी ऐड कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ अगर आपको बैकग्राउंड में रेड कलर कोई भी कुछ देना है तो आप दे सकते हैं। गूगल ड्राइवर से कोई डेटा लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो वापस से हम इंट्रो पे आ चुके हैं जहाँ इंट्रो में हमने एक वीडियो सेलेक्ट करके रखा है। अब इसी के साथ हम एल्बम में जाएंगे। एल्बम मतलब जो आपका मोबाइल का स्टोर डिवाइस है उसके अंदर जो फोल्डर्स हैं उसमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो दिखेंगे। तो
तो सबसे पहले हम इसमें एक बेसिक वीडियो भी ले लेते हैं, जिससे हमें समझ में आएगा कि वीडियो एडिट कैसे करना है। ओके, तो हम कोई सिंपल ही वीडियो लेना चाहेंगे जो ज़्यादा एडिटेबल ना हो, मतलब जो हमें ज़्यादा डिस्टर्ब ना करे, सादा सिंपल। तो गाइज, आप वापस से अपने एडिटर ऑप्शन पे आ चुके हैं। अगर आप इसे प्ले करके देखना चाहें तो ये क्या है, आपने क्या ले गया है। ओके, योर टाइटल, यहाँ आप टाइटल लिख देंगे तो आपका आपका शो करेगा कि आपके यूट्यूब की चैनल का नाम क्या है, या आप क्या नाम देना चाहते हैं, किस तरह के वीडियो बनाना चाहते हैं। तो आप डायरेक्टली उस चीज़ पे क्लिक करके डिलीट ऑप्शन कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद अभी ये तीन चीज़ें हमारे पास रह गई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो इंट्रो लिया था, इंट्रो में टेक्स्ट टी दिख रहा है तो इसे क्लिक करेंगे, और इसे क्लिक करने के बाद अगर हम इस पे जो लिखा हुआ डिस्प्ले स्क्रीन पे जो लिखा रहता है उस पे डबल क्लिक करेंगे तो एडिट के लिए आ जाएगा। तो हम इसे अभी एडिट कर देते हैं। इसका नाम क्या देते हैं, फिल्म मेकर लर्न। ओके, नहीं, इसको एक नाम दे देते हैं, फिल्म मेकर, सिर्फ फिल्म मेकर। ओके, तो ये हो गया फिल्म मेकर। अगर आपको इसे अलग डिज़ाइन में भी करना है, जो फिल्म मेकर आपने लिखा है, तो इसके अदर सामने जो नीचे साइड आप देख रहे हैं, ये बहुत सारे अदर डिज़ाइन के वर्ड्स लिखे हुए हैं। आपको जो डिज़ाइन पसंद आए आप उस हिसाब से कर सकते हैं। इसी के साथ स्पेशल में जाएंगे तो स्पेशल में भी बहुत सारे डिज़ाइंस के वर्ड्स लिखे हुए हैं, वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद एडवांस में जाएंगे तो इसमें अलग अलग डिज़ाइन के और थोड़ा डिज़ाइनेबल और थोड़ा स्ट्रॉन्ग टाइप के जो आपको देखने को मिले, ऐसे वर्ड्स लिखे रहते हैं, तो आप वो डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। चाइनीज़ लैंग्वेज भी इसमें दिया हुआ है, अरबिक भी दिया हुआ है, अरबिक मतलब उर्दू भी, दैट्स कॉमन। तो हमें तो भाई इंग्लिश से अभी चॉइस करना है, तो इंग्लिश में हम आ जाते हैं। तो इस समय हमने फिल्म मेकर का ये डिज़ाइन सेलेक्ट किया है। इसके बाद अगर आप इसका पोजीशन सिलेक्शन भी है, फेड इन भी है, ड्यूरेशन का मतलब होता है कि कितने सेकंड के लिए ये दिखेगा आपके वीडियो में। एनिमेशन में अगर जाएंगे तो एनिमेशन में ये क्या होना चाहिए, बहुत फास्ट है, इसे स्लो भी कर सकते हैं, और दैट सिंपल। बट इससे बेटर मुझे ये लग रहा है, तो मैं ये डिज़ाइन सेट कर दूंगा इसका। ओके, तो अभी हमने इसमें जो ओवर एनिमेशन होता है वो सेट कर दिया। लेयर का मतलब ये होता है कि अगर बहुत सारी चीज़ें आप एक ही वीडियो के सेम टाइम पे सेट कर रहे हैं तो आप दिखा सकते हैं कि कौन सा किसके ऊपर हो सकता है, तो लेयर चेंज कर सकते हैं। ओके, अब बैकग्राउंड, अगर बैकग्राउंड दे देंगे तो आपको पीछे का जो डॉक्यूमेंट है वो कलर में दिखेगा, तो वो नहीं चाहिए अपने को। ओके, आउटलाइन, अगर इस वर्डिंग का आउटलाइन आप बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं तो इधर से न्यूमेरिकल थ्रू आप कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, शैडो भी दिया हुआ है, शैडो अगर बढ़ाना चाहें तो आप शैडो बढ़ा सकते हैं। सेकेंड थिंग, अगर इसी वर्ड का कॉपी करना है तो आप कॉपी पे क्लिक कर देंगे, ये डबल हो जाएगा। ओके, तो इतना हो जाने के बाद अभी हम क्या करते हैं, इसको जस्ट राइट साइड से यस जो टिक मार्क है उसे क्लिक कर देंगे। तो ये अभी अगर हम देखते हैं तो ये इस तरह दिखता है अभी, फिल्म मेकर। तो गाइस, इस तरह ही हम अपने इंट्रो को एडिट कर सकते हैं। साथ में दो वीडियो को जो अटैच करता है वहाँ ऐसा एक बॉक्स टाइप दिख जाता है, तो इस बॉक्स को भी डिज़ाइन दे सकते हैं, मतलब एक वीडियो के बाद दूसरा वीडियो चालू हो तो कैसे चालू होगा, क्या एनिमेशन होने के बाद चालू होगा। तो ये चीज़ें बहुत आपकी वीडियो को एक नया इफ़ेक्ट देने की कोशिश करती हैं, जिससे लोगों को अच्छा लगता है देखने में। अभी जैसे ही वीडियो चालू करूँगा, सेकंड वीडियो से इंक्लूड होगा तो इस तरह एनिमेशन होते हुए चालू होगा। अब गाइज, इसमें बात करते हैं, अगर हमें वीडियो तो हम बना रहे हैं, ठीक है, वीडियो बनाने के साथ साथ अगर हमें कुछ नई चीज़ें चाहिए, जैसे इफ़ेक्ट्स, कि अभी ये वीडियो कैसा दिख रहा है, मुझे अदर टाइप का वीडियो चाहिए, ठीक है, उसके लिए ये वीडियो तो ऑलरेडी बहुत शॉर्ट है, तो मैं इधर आके इसको क्या करूँगा, मैं इसको पहले इसको
स्प्लिट कर दूंगा। स्प्लिट का मतलब होता है किसी भी वीडियो को उस जगह से दो हिस्से में बांट देना जहाँ से आप चाहते हैं। तो ट्रिम मतलब किसी भी जो टोटल वीडियो है उसको साइज़ में छोटा कर देना और अदर मटेरियल्स क्या करना डिलीट कर देगा हो। तो मैं स्प्लिट में जा रहा हूँ, स्प्लिट में जिस जगह मैंने देखा था उधर मैं इसे क्लिक कर दिया, अब ये वीडियो दो हिस्से में बट गया। अगर जो वीडियो आपने कट किया उसे आप यहाँ से वीडियो एडिटिंग से रिमूव करना चाहते हैं तो बस आप उस पर क्लिक कर दीजिए। उसे क्लिक करने के बाद अगर डिलीट क्लिक कर देंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। सेकंड थिंग, अब इसमें आप वीडियो पे भी क्लिक करके इसे इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं, एफेक्ट्स, उसे इफ़ेक्ट्स को एफेक्ट्स बोलते हैं। अब इसे ऐसा करेंगे, बात ध्यान दीजिए, अगर हम वीडियो में जाने के बाद कुछ करेंगे परेशान नहीं करने का मम्मा को बिल्कुल भी। अभी देखिए ये चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका वॉइस बंद कर देता हूँ क्योंकि हमें काम करते समय डिस्टर्ब करेगा। तो जिस वीडियो का वॉइस आपको नहीं चाहिए उस वीडियो पे क्लिक करने का और वॉल्यूम बटन दबाने का। वॉल्यूम जैसे ही क्लिक करोगे आप ज़ीरो पे कर दोगे तो उसकी वॉइस नहीं आएगी। और मैं आगे वाले वीडियो पे भी क्लिक करके इसका वॉइस बंद कर दूँ। अब सिर्फ वीडियो आएगा बट आवाज़ नहीं आएगी। देखिए हम जिस वीडियो को इफ़ेक्ट्स देना चाहते हैं उस पर क्लिक कर देंगे। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ बहुत ट्रिम, स्प्लिट, कट, डुप्लीकेट, डिटैच ऑडियो, यहाँ अगर कोई इसी वीडियो में से ऑडियो आप निकालना चाहते हैं तो भी इसलिए ये डिटैच में जाके आप कर सकते हैं। क्लिक टू ओके, जैसे ही आप यस दबाएंगे इसमें से वॉइस निकल जाएगा। ओके बट हमें एफेक्ट्स के बारे में बात करना है तो अभी हम ये देखेंगे। इस तरह जो वीडियो बीच बीच में ब्लिंक करता है या कुछ होता है तो इसमें से आदमी यूज़ करता है एफेक्ट्स में से। तो इस तरह वीडियो ये मोस्टली लोग चेंजिंग टाइम पे यूज़ करते हैं इफ़ेक्ट्स। इस तरह के बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे तो मैं इसमें से एक लव में से चुन लेता हूँ। लव में से मुझे थोड़ा ये वीडियो ठीक लग रहा है, इस वीडियो पे थोड़ा अच्छा लगेगा तो मैं इसे सेलेक्ट कर लिया हूँ और यस कर दिया हूँ। अब इसमें आपको टाइमिंग देने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये जितना आपने सेलेक्ट किया है वहाँ तक रहेगा, ठीक है, और अगले कटिंग वीडियो के बाजू में नहीं जाएगा। तो अब ये तो आ गया, अब इसे आप प्ले करेंगे तो ये पूरा मैटर कटअप लिस्ट तक आपको दिखेगा जो आपने इधर कट कर दिया था, बट उसके आगे जाते ही अब ये शो नहीं करेगा। इस तरह आप दे सकते हैं। फेस इफ़ेक्ट्स के बाद अभी हम बात करते हैं म्यूज़िक की। अगर हमें कोई म्यूज़िक ऐड करना है इस वीडियो में तो हमें म्यूज़िक सिंबल पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ इस सॉफ्टवेयर जो कंपनी है इसने भी फिल्म मेकर कंपनी में भी बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड किए हैं इसमें जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बट अगर आप इसे यूज़ करके यूट्यूब पे वीडियो डालोगे तो ये कॉपीराइट क्लेम होगा। बट अगर आप इसे परचेस कर लोगे, इस ऐप को, फिल्म मेकर ऐप को परचेस कर लोगे मंथली या ईयरली या लाइफ टाइम के लिए, तो ये वीडियो कॉपीराइट शो नहीं करेंगे। अभी जैसे ये म्यूज़िक मैं इसमें चालू करता हूँ तो मैंने प्लस का सिंबल दबाया तो ये ऐड हो गया है वीडियो। अब मैं इसे चालू करता हूँ, ठीक है, वीडियो और म्यूज़िक एक साथ में चलते रहेंगे। ओके करते हैं, अगर म्यूज़िक में हम खुद का भी वॉइस यूज़ करना चाहते हैं तो माय म्यूज़िक में जाके आप अपने हिसाब से कोई भी म्यूज़िक यूज़ कर सकते हैं। ओके अब इसके साथ जब हम म्यूज़िक अटैच कर दिए तो अब इसमें जैसे हमें सामने कुछ लिखना है डिस्प्ले पे, वीडियो के डिस्प्ले पे अगर जैसे हमें कुछ शो करना है क्रिएटेड बाय, ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल डॉडल टैप टू एडिट, इस पर क्लिक करके एडिट कर देंगे। अभी हमें क्या लिखना है इसमें, इसमें हमें लिखना है समझ लीजिए इस बच्चे का नाम संस्कार है। ओके तो हम इसे नाम देते हैं संस्कार, लिखने के बाद यस क्लिक कर देंगे तो ये नाम आ जाएगा। अब गाइज अगर इस नाम को आपको कलर में करना है या कोई डिज़ाइन देना है तो कैसे कर सकते हैं आप, जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया कि इसमें आप चेंज भी कर सकते हैं डिज़ाइंस, वर्ड के डिज़ाइन चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर एनिमेशन में क्लिक करेंगे तो एनिमेशन हमको अभी नहीं चाहिए,
वैराइटीज़ भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसे क्लिक करने के बाद फिर इसमें वापस से एडिट करना पड़ता है। ओके, एंड पॉइंट पे अगर लास्ट वीडियो के कुछ लिखना है, द एंड या गुड बाय ऐसा कुछ लिखना है तो आप ये दे सकते हैं, बट अभी हम नॉर्मली जो नाम लिखे हैं उसी पे काम करेंगे। तो गाइस, इस तरह से आप अलग अलग लैंग्वेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं, इंग्लिश, चाइनीज़ और अरबी। और सेकेंड थिंग, अब हमें क्या करना है, इसमें हमें केवल इस वर्ड का डिज़ाइन चेंज करना है। ठीक है, तो वर्ड हमने तो सेलेक्ट कर लिया है, तो इसे एक बार यस कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ आने के बाद आप देखेंगे कि इसका जो वर्ड लिखा हुआ था वो आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कलर में, COLOR कलर इधर लिखा हुआ है, कलर में आपको किस कलर का देना है इसे, आप वो कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। कलर सेलेक्ट करने के बाद कलर के साथ साथ इसे बैकग्राउंड देना है, तो आप बैकग्राउंड भी दे सकते हैं। बट बैकग्राउंड देने के बाद क्या है, डेटा बैक साइड प्रॉपर नहीं दिखता है, तो इसे नॉर्मल भी कर सकते हो, स्टार्टेड में जो ब्लैक एंड वाइट दिख रहा है। इसके साथ ही आउटलाइन अगर आपको चाहिए तो आउटलाइन आप किस कलर का देना चाहते हैं उस कलर का दे सकते हैं। साथ में शैडो अगर देना है आपको तो मैं इसे शैडो देता हूँ, ग्रीन कलर का शैडो देके इसे और डार्क करना है तो ऐसे बढ़ा सकता हूँ। अब इसके बाद स्पेसिंग, मतलब दो वर्ड के बीच का अगर आपको स्पेस बढ़ाना है तो आप इसके थ्रू भी बढ़ा सकते हैं, स्पेसिंग जो दिया हुआ है। ठीक है, तो मुझे तो उतना स्पेस नहीं बढ़ाना है, बट ठीक है, तो ये स्पेसिंग हो गया। और इधर देखिए ओपेसिटली, ओपेसिटी क्या होता है, अभी इसे जैसे मतलब ये किस तरह डार्क दिखे कि लाइट दिखे, वो सारी चीज़ें यहाँ सेट की जा सकती हैं। तो अभी तो मुझे पूरा फुल डार्क ही दिखाना है इसे, तो मैं इसे डार्क ही कर देता हूँ, बट और सारी चीज़ मैं आपको इसमें और दिखाना चाहता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है इसका ड्यूरेशन। ठीक है, ब्लेंडिंग एक ऐसा चीज़ है कि जो चीज़ आपने इमेज हो गया या कोई वर्ड लिखा है उसे अलग डिज़ाइन दे देना, अलग तरीके का, तो आप इसमें ऐसा ऐसा अलग अलग सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसमें ड्यूरेशन का, ड्यूरेशन मतलब आपको कितने मिनट कितने सेकंड तक ये चीज़ रखनी है। तो आप जितना सेकंड चाहिए, या दो टाइमिंग दो दिया रहता है, एक मिनट और एक सेकंड का, तो मैं सेकंड बढ़ा देता हूँ, सेकंड ओके, ये 30 सेकंड के लिए रख देता हूँ। तो अब जब मैं वीडियो प्ले करूँगा म्यूज़िक के साथ, अब मुझे संस्कार भी लिख दिया है। अब इसी संस्कार को अगर मैं थोड़ा एनिमेटेड करना चाहता हूँ, ठीक है, थोड़ा डिज़ाइन में ये हिलता उलता रहे, तो एनिमेशन पे क्लिक करने का, ओवरऑल एनिमेशन, और इस पर मैं ऐसा ये डिज़ाइन डाल देता हूँ। तो अब जब ये प्ले होगा वीडियो में तो ये हल्का मूवमेंट करता रहेगा। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें, आगे अभी इसमें देखेंगे हम, ये तो टेक्स्ट की बात हो गई, अब कोई चीज़ इसमें इंसर्ट करनी है, जैसे आपको ये, या इमेज भी इंसर्ट कर सकते हैं, कोई इमेज डालना है तो आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और कभी भी इसमें कोई इमेज डालना आपको इंसर्ट करना है तो आप क्या करो, आप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको जो इमेज इसमें इंसर्ट करना है उसे पहले से ही शार्पनेस उसका बढ़ा के रखने का, तो इसे एडिट करना बहुत इजी रहता है। जैसे मैंने ये इमेज सेलेक्ट कर दिया, अभी ये इमेज मुझे इसके साथ अटैच करना है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया है, जब इमेज आप अपने फोल्डर फाइल से सेलेक्ट करते हैं या फ़ोन के स्टोरेज से, ओके, फ़ोन के स्टोरेज से जब आप सेलेक्ट करेंगे तो इसमें इरेज लिखा रहता है, ये रिस्टोर हो गया, तो पहले इरेज कर देते हैं इसके अदर चीज़ें जो नहीं चाहिए, इसे जूम करके भी देख सकते हैं आप, और जो मिटाने का पॉइंटर है उसे भी आप बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, बट गाइस, जब आपको इसका शार्पनेस चेक करना है तो आपको छोटे पॉइंटर के साथ ही एडिट करना पड़ेगा, और ये बहुत इजी है, अलग अलग कलर को आइडेंटिफाई कर लेता है, मतलब अगर दो कलर हैं तो वन कलर को रिमूव करने में दूसरे कलर को जल्दी रिमूव नहीं करता, तो इससे आप, और जैसे कहीं यहाँ एक्स्ट्रा मिट गया तो इसे रिस्टोर भी कर सकते हैं।
आजू बाजू चेक कर लीजिए कहीं तो डस्टेड नहीं। ओके, तो अब ये मेरे हिसाब से तो साफ ही दिख रहा है। अब इस फोटो को जहाँ चाहें वहाँ आप सेट कर सकते हैं। एडजस्ट में अगर जाएंगे तो इसमें डार्क लाइट मतलब कितना इसे आपको दिखाना है, कि डार्क दिखाना है कि लाइटली दिखाना है उसमें। और सेकंड थिंग, अगर आप आउटलाइन भी इसमें भी शो कर, जैसे टेक्स्ट में था SM फैसिलिटीज़ इसमें भी दी गई है। अब सेकंड थिंग, इसमें मैं एनिमेशन में जाऊंगा, इसे एक थोड़ा लाइटली एनिमेशन दे सकूं मैं, और इसे ड्यूरेशन भी दे सकते हैं कितने टाइम तक ये वीडियो ये चीज़ आप में स्टोर रहेगा। तो इसे मैं कर देता हूँ कुछ, इसे भी 13 सेकंड कर दिया। अब वर्ड और मेरा मशीन का इमेज तो इस तरह ये दिखता रहेगा। ओके, तो अब इसके बाद अगर हम टेक्स्ट की बात, जो स्टिकर्स की बात करें, तो इसमें अलग अलग डिज़ाइन के स्टिकर्स भी हैं जो आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद ये भी है, ये भी है, इसे आप जितना बड़ा चाहो उतना बड़ा कर सकते हो, जिस तरह शो करना चाहते हो उस तरह शो कर सकते हैं आप। अनलिमिटेड स्टिकर्स इसमें गाइज, यही बेस्ट पॉइंट है कि आप स्टिकर्स बहुत सारे दे सकते हैं। कुछ मूविंग कार्टून्स भी दिए गए हैं, तो जैसे कुछ वीडियोस में आप बच्चों के साथ या व्हाटएवर जिसके साथ चाहे उसके साथ ऐड कर सकते हैं ये। अब इसको कैसा आप ड्यूरेशन भी दे सकते हैं कि भाई आपको कितना सेकंड तक रखना है ये। तो मैंने इसे 16 सेकंड रख दिया है। ओके, अब इसे प्ले करते हैं। एक साथ कई भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही दे सकते हैं। ओके, तो ये स्टिकर्स की बात हो गई, अभी हम आ जाएंगे इसमें इसके साइज़ में। ठीक है, एडजस्ट, अगर आपको वीडियो एडजस्ट करना है, अलग अलग साइज़ में देना है, तो आप दे सकते हैं। बड़े कंप्लीट वीडियो यूज़ करता है, ठीक है, आप इसे सेलेक्ट कर लेंगे तो ये इसमें आ जाएगा। बट इसके आउटर डेटाबेस आपके चले जाएंगे जो आपने सेलेक्ट किया था। ओके, तो अब हम इसमें और सारी चीज़ें, जैसे अगर साइड का एरिया आपको ब्लर करना है, ब्लर मतलब पूरा ब्लर कर देंगे तो बिल्कुल नहीं, लाइटली ब्लर करेंगे तो ये आपका साइड वीडियो भी थोड़ा दिखता रहेगा। ब्लर के साथ साथ कलर भी देना चाहते हैं तो आप कलर भी दे सकते हैं, ब्लैक देना चाहते हैं, ब्लू, लाइट वाइट, जो देना चाहते हैं दे सकते हैं। ये प्रेसेट्स के साथ साथ ग्रेडियंट भी है, ग्रेडियंट मतलब मिक्सअप कलर, तो वो भी दे सकते हैं। उसके बाद टेक्सचर मतलब एकदम दीवार जैसा, कोई अच्छा डिज़ाइन बना रहे वैसा देना चाहते हैं तो आप ये भी दे सकते हैं। ये बहुत सारी फैसिलिटीज़ इसमें दी गई है जो वाकई बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मैं ब्लर पे क्लिक करता हूँ। अब गाइस, वीडियो आपका कुछ इस तरह दिखेगा, आपने जो सेट किया था वो सारी चीज़ें भी दिखेंगी, ऐसा नहीं है कि वो नहीं दिखेंगी। मशीन के फ़ोटो और हर चीज़ जो सेट किया है आपने, और जहाँ तक वीडियो अगर लैंडस्केप में है तो वहाँ ये दिखाई नहीं देगा, जब पोर्ट्रेट साइड में आपका वीडियो आएगा तभी ये दिखाई देगा। अब गाइस, इसके साथ हम ये वॉइस में क्या रहता है, अगर ऊपर से आपको कोई वॉइस डालना है तो आप डाल सकते हैं। तो वॉइस सेलेक्ट करने के बाद इसे स्पीकर पे क्लिक करना है, 3 सेकंड बाद ये रेडी हो जाता है। तो जैसे तो अभी इस चीज़ को मैं अगर प्ले करूँगा तो ये थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, तो इस तरह ये वॉइस भी इंसर्ट हो जाएगा इसमें। अब सेकंड थिंग जो मेन होता है, ये कंपनी की चीज़ होती है, कंपनी का वाटरमार्क, अगर आप वाटरमार्क इसे परचेस कर लेंगे तो ये वाटरमार्क चला जाता है, ये कंपनी का है, और इसकी जगह पे आप अपना खुद का वाटरमार्क लगा सकते हैं, या अदर कुछ भी चाहिए तो वो भी लगा सकते हैं, अगर नहीं चाहिए तो आप नहीं भी लगा सकते हैं। जैसे आपको वाटरमार्क नहीं चाहिए तो रिमूव कर दीजिए और वाटरमार्क चला जाएगा, आपका नॉर्मल वीडियो जैसा था वैसे चलता रहेगा। ओके, अब डॉटल के बारे में, जो स्टार्टेड में हमने बताया था कि डॉटल क्या, अब जैसे मुझे इस वीडियो में मुझे लिखना है कि किसी को शो करना है कि ये चीज़ क्या है, तो मैं इसे ऐसा बॉक्स टाइप बना सकता हूँ। ठीक है,
या कोई चीज़ ऐसा मुझे नहीं शो करना है कि भाई ये शो होना चाहिए या सही नहीं दिख रहा है या कलर अनमैचिंग है या कुछ भी ऐसी कोई चीज़। अलग अलग कलर का डिज़ाइन दे सकते हैं, ग्रेडियंट में देना चाहें तो ग्रेडियंट में दे सकते हैं, टेक्सचर्स में देना चाहें तो टेक्सचर मॉडल दे सकते हैं। इसमें जो कलर आपको यूज़ करना है आप वो कलर का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह अभी मान लीजिए मुझे ये ऐसा सर्कल दिखाना है कि गाइज ये लड़का ये है वो है या कुछ भी ऐसा अननेसेसरी जो चीज़ आपको दिखे या कुछ आपको शो करना है। जैसे हम वीडियो बनाते समय भी दिखाते हैं कि हम इस पे काम कर रहे हैं तो हम उस पे ऐसा सर्कल कर देते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ ये है। अब जैसे मैं फिल्म मेकर का वीडियो बना रहा हूँ तो मैं अगर मोबाइल का डिस्प्ले यूज़ करता हूँ तो मैं शो कर सकता हूँ कि गाइज ये देखिए ये फिल्म मेकर है और हम आज इसके बारे में बात करेंगे। तो इस तरह ये डॉटल का यूज़ हो सकता है। ये सब होने के बाद जब गाइज आप पूरा वीडियो एडिट कर लें तो आपको एक काम करना है, इसके लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है ये सेव एंड शेयर, इसे क्लिक करना है। अब यहाँ भी आपको पूछेगा कि किस साइज़ में आपको करना है तो आप एक्सपोर्ट कर देंगे, उसके बाद ये वीडियो डाउनलोड होने लगेगा। सेकंड थिंग गाइस, इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है, आपको इंस्ट्रक्शन दिया है, प्लीज़ डू नॉट लॉक स्क्रीन और द स्विच टू अदर ऐप, बिकॉज ऐसा करेंगे तो ये फेल हो जाता है। स्टार्टिंग में थोड़े टाइम के लिए दिखाएगा कि हो रहा है प्रोसेस, क्योंकि ये बैकग्राउंड रन नहीं करता। ये इस वीडियो का थोड़ा डिफरेंट सिस्टम है, या बहुत सारे वीडियो एडिटर में सिस्टम दिया रहता है, बट इसमें ऐसा है कि एडिट करने के बाद जब एक्सपोर्ट करते हैं तो आप कुछ और नहीं कर सकते।